तपती धूप में 2 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। सरपंच सचिव की लापरवाही के चलते गांव में बंद पड़े बोर मशीन। 100 से भी ज्यादा घरों वाले बस्तियों में नहीं है पानी की व्यवस्था। अमरपाटन तहसील के ग्राम भीष्मपुर में ग्रामीण तपती धूप में 2 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर है। प्रशासन की अनदेखी के चलते कई महीने से यह ग्रामीण इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनको मिलने वाली योजनाएं कागजों में ही दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में नज़ारा कुछ और ही है। हमेशा गर्मी शुरू होते ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए, प्रबंध करने के लिए आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत उल्टी नज़र आती है। सरपंच और सचिव की लापरवाही के चलते लोग भीषण गर्मी में घरों से बाहर निकलना पड़ता है। गांव में न तो खराब पड़े हैंडपंप बनाए गए हैं, न ही टैंकर की व्यवस्था की गई है। लगभग 100 घर से भी ज्यादा आबादी वाली बस्ती में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह धूप में 1.5 किलोमीटर पानी लेने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था यहाँ? व्यवस्था नहीं, दो दिन बोर चली वो बंद हो गए। नया बोर बनवाए तो वो जल गया, अब क्या करें भैया, वहाँ जान करना पड़ेगा। तो टैंकर वगैरह आता है ना सरकार की तरफ से? यहाँ तो कुछ नहीं का व्यवस्था बन रही, तो क्या करें भैया। कितने किलोमीटर से? किलोमीटर जाने, किलोमीटर आना। तो यहाँ कितने घर हैं आपके मोहल्ले में? यहाँ मान लें कि 200 बस। तो सरपंच वगैरह से नहीं बोले बोर और का? होगा बोर और तो बहुत हुए। हाँ तो पानी नहीं निकलता। अच्छा, तो ये 1.5 किलोमीटर से कोई व्यवस्था? बोर कराया था वो जल गया है, सुनने को ये मिला है सरकार ने बोर कराया। हाँ वो तो मान लें कि वो बस्ती के बीच में है, इस मोहल्ले में बोर नहीं है क्या? कितना दूर से पानी लाते आप लोग? 1 किलोमीटर दूर इस गांव से। का का समस्या हो रही? समस्या पानी के बाद। और सरपंच और पंच से कुछ बात हुई? सरपंच बता दो मोटर और बाइसेट बोर धार नीचे वहाँ वहाँ जल गया, वह ध्यान नहीं के कि बनवा है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो पानी लेने इतना दूर जाते हैं? 100 आदमी 100 घर हुई है। पानी की समस्या काफी दिन से आ रही है, लगभग 1 किलोमीटर से पानी लेने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ, ये जानकारी अभी मुझे सोशल मीडिया से भी मिली है, तो ग्राम पंचायतों में इसके बारे में जितना फोन। उसका एक मूल कारण ये था कि इसकी 14वीं वित्त की राशि रुकी हुई नल जल योजना की, विशेष तौर पर कोई समस्या। अभी 3-4 दिन पहले शासन का आदेश आ चुका है कि 10% राशि आप उसका नल जल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सचिव को अभी बात की, उसका काम बिल्कुल स्टार्ट हो गया। सर, छोटे छोटे बच्चे हैं और जो वहाँ पे हैंडपम्प लगा है और जो मोटर पड़ी है वो काफी दिन से खराब पड़ी हुई है, तो कब तक इसका समस्या? हमारे ड्राइवर है बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी की समस्या बनी रहती है, पर वो कंटेनमेंट जोन भी था तो उस पर तो विशेष संवेदनशीलता रहती है, ये हो जाता है। ठीक सर।